दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर आशीष मित्तल स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक आम समस्या के बारे में जिसको हम लोग कमर दर्द बोलते हैं। तो दोस्तों कमर दर्द कहीं कारण से हो सकता है और बहुत लंबे समय तक भी हो सकता है और अचानक भी चालू हो सकता है। अगर आपको अचानक से चालू हुआ है और अगर आपको कोई मामूली सी चोट लगी या कुछ आपने वजन उठा लिया और आपके कमर एकदम जकड़ गई है, तो दोस्तों आप ऐसे केस में एक या दो दिन का थोड़ा आराम करें, गर्म सेक करें। अगर चोट डायरेक्ट लगी है तो भी ठंडा सेक करें और अकड़न है तो फिर गर्म सेक करें। कुछ दवा लें जिसमें मसल रिलैक्सेंट और पेन किलर होता है। अगर आपको रिलीफ नहीं आ रहा है तो बेटर ये है कि आप अपने नज़दीकी डॉक्टर से संपर्क कर लें। अगर आपको ये दर्द लंबे समय तक बना रह गया है और आपको ये दर्द नीचे भी आ रहा है, मतलब घुटने से नीचे तक आ रहा है, पैरों में साथ में कोई झंझनाहट है, कोई सुन्नपना है, कोई भारीपना है, तो दोस्तों ये आपकी डिस्क की प्रॉब्लम भी हो सकती है जिसको हम शायटिका बोलते हैं। और ये कोई कमर के निचले हिस्से में दर्द, जो पैर की नस है उस पर दबाव पड़ने के कारण भी हो सकती है। तो दोस्तों पुराने कमर के दर्द को नेग्लेक्ट ना करें, अपने नज़दीकी ऑर्थोपेडिक्स डॉक्टर को दिखाएं, वो आप की जांच करेंगे, एक्सरे, कई बार एमआरआई स्कैन करेंगे। शुरू में इसका इलाज हम लोग अक्सर मेडिसिन से देते हैं, साथ में फिजियोथेरेपी करवाते हैं और घर के लिए कुछ आपको एडवाइस देते हैं। अक्सर लोग धीरे धीरे प्रॉपर ट्रीटमेंट से ये ठीक हो सकते हैं। कभी कभी किसी किसी के पैर में सुन्नपना ज़्यादा बढ़ जाता है या पैर में अगर कमजोरी है और एमआरआई में कोई डिस्क आ रही है काफ़ी बड़ी है जो कि नस पे दबाव डाल रही है, तो ऐसे केस में कई बार हम लोगों को ऑपरेशन भी एडवाइस करना पड़ता है। ऑपरेशन आजकल अक्सर माइक्रोस्कोपिक होता है या फिर एंडोस्कोपिक दूरबीन से होता है या फिर छोटे चीरे से होता है। अगर आपको फिजियोथेरेपी मेडिसिन से आराम नहीं आ रहा है और आपकी डिस्क भी बहुत बड़ी नहीं है और एमआरआई के हिसाब से ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं है, तो फिर हम लोग इसका रेडियो फ्रिक्वेंसी एब्लेशन या फिर नर्व ब्लॉक से भी ट्रीटमेंट कर सकते हैं, जो कि एक तरह से निडल या इंजेक्शन के साथ होने वाली थेरेपी है। ये कोई ऑपरेशन नहीं है, इसमें चीरफाड़ नहीं होती है और बेहोश भी नहीं करना पड़ता है। लेकिन एमआरआई से हम लोग ये पता करते हैं कहाँ पे नस दबी हुई, उसके आसपास क्या सूजन आ रही है, तो उसको हम लोग, हमारे पास मॉनिटर्स होते हैं उसमें हम लोग चेक करके और इसमें हम लोग कुछ इंजेक्शन थेरेपी करते हैं जिसमें दवा डालते हैं और रेडियो फ्रिक्वेंसी करंट से इलाज करते हैं। कभी कभी हम लोग इसमें ओजोन गैस भी डालते हैं और एक मेडिसिनल स्टेरॉइड का इंजेक्शन भी कई बार लगाना पड़ता है। तो अक्सर स्पोर्ट्स पर्सन में हम लोग यही ट्रीटमेंट करते हैं, उससे बहुत अच्छा रिलीफ सामने आता है। तो दोस्तों कुल मिलाकर अगर आपको ये प्रॉब्लम है कमर की और पैर में आ रहा है तो इसको नेग्लेक्ट नहीं करना है और आपको तुरंत अपने नज़दीकी डॉक्टर को दिखाकर जांचें करवानी है। और अगर ये कोई आपका नया दर्द है झटका लगने से या खिंचाव आ गया है तो उसका ट्रीटमेंट आप एक दो दिन घर पे भी कर सकते हैं, और पेन अगर बहुत ज़्यादा है तो बेटर ये है कि आप अपने डॉक्टर को दिखा लें। फिर भी अगर आपको हमसे कुछ पूछना है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं और या फिर हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज रिपोर्ट्स के साथ भेज सकते हैं। और आप अगर हमसे पहली बार जुड़ रहे हैं तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर नई जानकारी ले सकते हैं। नमस्कार, जय हिंद।